24 उड़ानें बदली, डस्ट स्टॉर्म के बाद कई देरी हुई, बारिश हिट दिल्ली। आसमान शांत लेकिन तेज हवाओं के साथ सुखद लग रहा था, जिससे निश्चित रूप से सूर्य की उपस्थिति में त्वचा को उखाड़ने में गर्मी की मदद मिली। समाचार एजेंसी एएनआई ने बताया है कि धुलाई के तूफान और बारिश से शाम को राष्ट्रीय राजधानी में आने के बाद 24 आने वाली उड़ानें दिल्ली से बाहर कर दी गई हैं। हवाई अड्डे पर आवर्जन और प्रस्थान दोनों में एक घंटे की देरी हो सकती है। एक यात्री ने ट्वीट किया कि लैंडिंग के दो असफल प्रयासों के बाद उनकी उड़ान को अमृतसर में ले जाया गया था। विस्टवर की मुख्य रणनीति और वाणिज्यिक अधिकारी संजीव कपूर ने कहा कि कई मुंबई उड़ानों को अमृतसर में ले जाया गया है। यात्रियों को सलाह दी गई कि वे धैर्य रखें क्योंकि हम सबसे अच्छा कर रहे हैं, हमारे नियंत्रण और हवाई अड्डे पर नहीं होने वाले मौसम में भी कई अप्रत्याशित उड़ानें और यात्रियों को संभालने में बाधाएं हैं, उन्होंने ट्वीट किया। तूफान ने दृश्यता को डुबो दिया, जिससे सड़कों पर चलने वाले वाहनों की गति धीमी हो गई, जबकि पैदल चलने वालों ने आश्रय तलाशना शुरू कर दिया। हालांकि यह उतावली हुई सूर्य से बड़ी राहत के रूप में आता है, जो तापमान बढ़ते हुए थे पिछले कई दिनों से। दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में अधिकतम और न्यूनतम तापमान सामान्य औसत से अधिक हो रहे हैं। अधिकतम तापमान 36.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो मौसम के औसत से 2 डिग्री अधिक है। हालांकि वर्षा के बाद यह 21 डिग्री सेल्सियस नीचे आया। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के एक अधिकारी यामीट ने कहा, अधिकारी ने बताया 81 किलोमीटर प्रति घंटे की हवा की गति के साथ सफदरजंग वेधशाला को मारा। यह 5:33 बजे शुरू हुआ और 5:35 बजे तक चली, जिसके बाद 5:30 बजे अपराह्न 33 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया। विभाग ने कहा कि हल्की बारिश और तूफान भी कल भी राजधानी को मार सकता है। मौसम में होने वाले बदलाव का परिणाम उत्तर पश्चिमी पाकिस्तान और पश्चिमी जम्मू और कश्मीर के आसपास पश्चिमी अशांति से हुआ है, जिसने चक्रवात परिसंचरण प्रेरित किया है, मौसम पूर्वानुमान एजेंसी स्काईमेट ने कहा है। इस वजह से देश के अधिकांश हिस्सों में बारिश आने के लिए तैयार हैं। वर्षा की शुरुआत से बारिश कम रही है। जनवरी में सिर्फ एक बारिश के दिन सिर्फ 4.4 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। फरवरी बेहद शुष्क था। तूफान और संभव बारिश से तेज गर्मी से बहुत राहत मिलेगी। मार्च भी उसी पैटर्न का पालन किया गया। राष्ट्रीय राजधानी रिकॉर्डिंग के साथ 21 मार्च को केवल वर्षा का निशान। बारिश के मद्देनजर दिन और रात के तापमान में गिरावट आती है और करीब सामान्य के करीब आना पड़ता है। यह तूफान और संभव बारिश दोपहर और रात में तेज गर्मी से बहुत अधिक राहत लाएगी। आसमान शांत लेकिन तेज हवाओं के साथ सुखद लग रहा था, जिससे निश्चित रूप से सूर्य की उपस्थिति में त्वचा को उखाड़ने में गर्मी की मदद मिली।